अफगानिस्तान विच सिख परिवारां दे की ने हालात, कि तालिबान दे आतंक थले सुरक्षित ने सिख, अफगानिस्तान दे सिखां ने बयान कीते अपने मौजूदा हालात। अफगानिस्तान विच तालिबान आउण तों बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अफगानिस्तान विच सिखां दे मौजूदा हालात बारे दस्या। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं और गुरुद्वारे के अंदर ही सब लोग हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विज़िट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं, हमें पूरा यकीन है गुरु साहब कृपा करेंगे और हमारे परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये कुछ ही देर पहले की घटनाक्रम है जब लोकल तालिबान लीडरों ने गुरुद्वारे में विज़िट किया और जाकर हमारे लोगों से बातचीत करके उनको आश्वासन दिलाया। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं और गुरुद्वारे के अंदर ही सब लोग हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विज़िट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं, हमें पूरा यकीन है गुरु साहब कृपा करेंगे और हमारे परिवार वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये कुछ ही देर पहले की घटनाक्रम है जब लोकल तालिबान लीडरों ने गुरुद्वारे में विज़िट किया और जाकर हमारे लोगों से बातचीत करके उनको आश्वासन दिलाया।